क्या डी फार्मेसी इंडिया में बैन होने वाला है? क्या है ये पूरा मामला और डी फार्मेसी वाले लोगों के लिए इंडिया में आने वाले दिनों में क्या क्या डिफिकल्टीज आने वाली है, तो इसके बारे में डिटेल में आपके साथ में बातें शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, मेडिकल और फार्मेसी ये दोनों ऐसे फील्ड है जहां पे लोगों के हेल्थ के साथ डायरेक्टली लोगों का खिलवाड़ होता है, यानी इस फील्ड में आपको गलती की गुंजाइश नहीं रहती है। अगर आप इस फील्ड में कोई गलती करेंगे तो लोगों की जाने चली जाती है। तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है एज कम्पेयर टू अदर फील्ड्स लाइक इंजीनियरिंग वगैरह, क्योंकि वहां पे अगर आप कोई गलती करेंगे तो आपका सिर्फ इकोनॉमिकल लॉस हो सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई गलती करेंगे फार्मेसी या फिर मेडिकल फील्ड में तो यहाँ पे लोगों की जाने भी जा सकती है। तो ये जो फील्ड होती है बहुत बहुत स्ट्रिक्ट होती है, और एज कम्पेयर टू अदर फील्ड अगर मैं बात फार्मेसी और मेडिकल की, तो यहाँ पे जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं, तो मेडिकल स्टोर जो 90% लोग इंडिया में अनफॉर्चुनेटली डालते हैं वो होते हैं डी फार्मेसी वाले लोग। यानी जो लोग डी फार्मेसी करते हैं वो लोग मेडिकल स्टोर्स के लिए ज्यादा प्रेफर करते हैं। हालांकि डी फार्मेसी को एडमिशन लेने से पहले ही लोगों की टेंडेंसी ऐसी रहती है कि 4 साल तक बी फार्मेसी अगर पढ़ना है तो उसकी बजाय 2 साल तक डी फार्मेसी पढ़ के 4 साल का बी फार्मेसी वाला पढ़ के प्लीज मेडिकल का लाइसेंस 2 साल जल्दी मिल जाएगा। और स्पेशली बात करूं इंडियन इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, तो यहाँ पे डी फार्मेसी के लिए लोग वही जाते हैं जो मेडिकल स्टोर्स ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे होता है कि डी फार्मेसी वाले लोग जब 2 साल का अपना डिग्री या फिर डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं तो वो लोग मेडिकल स्टोर तो डालते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो मेडिकल स्टोर ओपन करने के बाद वहां पे काम के लिए कोई 2-4 और लोंडे लगा देते हैं, वहां पे काउंटर पे किसी और को बैठा देते हैं और खुद वह कहीं और पे होता है। यानी मेडिकल स्टोर किसी और के नाम पे ओपन होता है, वहां पे बैठता कोई और है, रिवेन्यू कोई और कमाता है। तो ये सब जो चीजें होती है वो नजर में आई है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका नाम बोला जाता है PCI या फिर ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया, जिसका ये दोनों भी ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन फार्मेसी फील्ड में इंडिया में बन चुकी है जो हर एक चीज को बारीकी से देखती है। और ये जो चीजें है उन्हें बहुत बार नोटिस हुआ है कि मेडिकल स्टोर जो स्पेशली मैनेज किया जाता है या फिर मेडिकल स्टोर ओपन होते हैं वो लोग हमेशा क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर में खुद नहीं रहते। और फार्मेसी का रेगुलेशन क्या कहता है दोस्तों, अगर आपको मेडिकल स्टोर ओपन करना है तो आपको वहीं पे रखना पड़ेगा, वहां पे ड्रग इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए आएगा या फिर कोई भी जांच एजेंसी मेडिकल फील्ड के रिलेटेड वहां पे जांच के लिए आएगी, तो आप वहां पे मेडिकल स्टोर में खुद वहीं पे रहना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये रेगुलेशन नहीं फॉलो किया जाता, ये बातें इंटरनेशनल रेगुलेशन में भी देखी रही है कि इंडिया में जो ओरिजिनल रेगुलेशन बन चुके हैं तो उसको लोग फॉलो नहीं करते, और इसी की वजह से डी फार्मेसी बहुत ही बड़े मतलब बोल सकते हैं बहुत ही बड़े ट्रबल में आने वाले दिनों में। ये बात की स्टार्ट कब हुई थी दोस्तों, इसका आपको मैं प्रूफ देना चाहता हूँ। ये बात स्टार्ट हुई थी 3 साल पहले जब मैं फर्स्ट ईयर ऑफ बी फार्मेसी के था, तो वहां पे मैं एक कॉन्फ्रेंस को गया था। तो उस कॉन्फ्रेंस में आए थे PCI के कुछ लोग, वहां पे उन्होंने स्पीच में उनके जिक्र हुआ था कि डी फार्मेसी आने वाले दिनों में इंडिया में बंद हो सकता है। हालांकि वो लोग बोल रहे थे फार्मडी बी फार्मेसी जो फील्ड है इसकी वजह से रिसर्च ओरिएंटेड भी स्टडी लोगों का बढ़ता है, प्लस यहाँ पे क्वालिटी भी मेंटेन की जाती है। लेकिन डी फार्मेसी की वजह से लोगों का क्या होता है, लोग तो पढ़ते हैं, लोग डी फार्मेसी तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उसकी वजह से लोगों में क्वालिटी नहीं रहती, इसकी वजह से क्वांटिटी बढ़ती है और मेडिकल फील्ड में ऐसे लोगों की एंट्री होना स्टार्ट हो जाती है जहां पे जिन लोगों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, या फिर जो लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए या फिर जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए मेडिकल फील्ड में आते हैं जहां पे लोगों की रूल्स एंड रेगुलेशन का भी वो ख्याल नहीं रखते हैं, और इसकी वजह से सीरियस डैमेजेस होते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल रेगुलेशन लाइक FDA MHRA जो ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन रेगुलेशन से अगर वो इंडिया में आती है तो ऐसे बारीक बारीक चीजों को वो देखती है, और जिसकी वजह से जो ओरिजिनल रेगुलेशन है जैसे PCI जैसे रेगुलेशन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ये जो रेगुलेशन है उन्हें बहुत बार बोला गया है कि डी फार्मेसी की वजह से मेडिकल फील्ड में क्वालिटी नहीं रह रही है। हालांकि मैं सब डी फार्मेसी वाले लोगों को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन ये जो बातें हैं इंटरनेशनल रेगुलेशन के भी या फिर हम बोल सकते हैं NAC जो कमेटी है जो स्पेशली इंडियन एजुकेशन सिस्टम के इंस्पेक्शन के लिए बन चुकी है, तो यहाँ पे भी उन्होंने भी बहुत बार नोटिस किया है डी फार्मेसी की वजह से अनवांटेड लोगों की एंट्री मेडिकल फील्ड में हो रही है, और इसकी वजह से हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ पे आपको डी फार्मेसी को थोड़ा सा ट्रबल तो होने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पे फार्मेसी फील्ड की रेगुलेशन दिन ब दिन बहुत स्ट्रिक्ट होने जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अदर कंट्रीज की, तो यहाँ पे डी फार्मेसी जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में, अगर आप बाहर की कंट्री में जाएंगे तो आपको डी फार्मेसी नहीं देखने को मिलेगा, वहां पे आपको अदर ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि मैं बात करूँ बी फार्मेसी MS, वहां पे M फार्मेसी के लिए भी ज्यादा वैल्यू नहीं है, वहां पे MS के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि MS जो है दोस्तों M फार्मेसी में आप थ्योरेटिकल नॉलेज या फिर आपका एक
स्पेसिफाइड नॉलेज ही ले पाते हैं, लेकिन एमएस जो है दोस्तों मास्टर मास्टर्स होता है, लेकिन यम फार्म एज कम्पेयर टू यम फार्म, एमएस में रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी की जाती है या फिर रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से रिसर्च को भी ज्यादा से ज्यादा भाव मिलता है, और इसी की वजह से अदर कंट्रीज में एमएस को बहुत ज्यादा वैल्यू रहती है, और इसी की वजह से बाहर की कंट्री में रिसर्च बहुत ज्यादा होती है। हालांकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो किए जाते, खुद की फुल फिश में खुद की मतलब सेल्फ क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ एडवांटेज के लिए लोग अपने फील्ड को बदनाम कर लेते हैं। यही बात हुई है डी फार्मेसी के बारे में। डी फार्मेसी की वजह से इंटरनेशनल रेगुलेशंस को बहुत ही बहुत ही बहुत वजह से उन्होंने इंडियन इंडियन मेडिकल काउंसिल या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को बोला है, क्योंकि यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन तो फॉलो नहीं की जाती, प्लस अनवांटेड लोगों की एंट्री मेडिकल फील्ड में हो रही है, प्लस यहाँ पे क्वालिटी नहीं मेंटेन की जाती। तो ये था आज का वीडियो, हो सकता है आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया होगा, और यहाँ पे मैं फास्ट बोल रहा हूँ फिर भी वीडियो 7 मिनट का हो चुका है, तो मगर मैं आई नो मैं थोड़ा सा फास्ट बोला था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे डिस्कस करनी थी आपके साथ। तो ये था आज के वीडियो के बारे में। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे नए आ गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपके फ्रेंड्स के साथ अगर वो डी फार्मेसी के लिए जाना चाहता है तो ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। तो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।